Subscribe my channel Ambeyjinew presenting and press the bell icon to never miss a video from our channel. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगते ही आए उद्धव ठाकरे का बड़ा दमदार बयान। यह बयान कैसा ही है, जानकारी लेने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति में अचानक करवट ले ली है, जब मंगलवार को राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर दी और राष्ट्रपति ने इसे लागू भी कर दिया। राज्य में भाजपा ने तो सरकार बनाने से हाथ खड़े कर दिए, साथ ही वहीं शिवसेना और एनसीपी को भी न्योता मिलने के बाद दोनों ही दलों ने कोशिश कर ली थी। इसी बीच राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। राज्य में राष्ट्रपति शासन लगते ही शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे का बड़ा बयान सामने आया है। दोस्तों, राज्यपाल ने शिवसेना को सरकार बनाने का न्योता दिया था, लेकिन वो समय पर समर्थन नहीं जुटा सके, जिसके बाद एनसीपी को मौका मिला। मंगलवार को 8 बजे तक एनसीपी को समर्थन जुटाना था, लेकिन उनका समय पूरा हो गया और समर्थन नहीं जुटा पाई। उनके समर्थन न जुटाने के बाद राज्यपाल ने राष्ट्रीय शासन की सिफारिश कर दी, जो लागू भी हो गया है। इस वजह से सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने राष्ट्रीय शासन लागू होते ही चुप्पी तोड़ दी है। उन्होंने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि राज्यपाल ने शिवसेना को ज़्यादा समय नहीं दिया और उन्होंने कहा कि कांग्रेस और एनसीपी ने शिवसेना की बात शुरू हुई थी और दोनों दलों ने थोड़ा ज़्यादा समय मांगा था। उद्धव ठाकरे ने यह कहा कि कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी एक साथ बैठेगी, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर चर्चा जारी है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि महाराष्ट्र में किसकी सरकार बन सकती है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ और साथ ही यह भी बताएँ कि शिवसेना का यह करना सही है या गलत। आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही न्यूज़ को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।